A very good morning to everyone. Welcome again to Zotan Academy. आप सब लोगों को एक और वीडियो हम लोग की तरफ से प्रेजेंट करने वाले हैं. सो आज हम लोग देखेंगे कि इंडिया में सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन सा है. बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया कौन सा टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो हम लोग को कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए, तो आप लोग एक बार बोल दीजिए. तो आज यहाँ पे हम लोग लाए हैं टॉप 10 टफेस्ट एग्ज़ाम इन इंडिया अकॉर्डिंग टू रैंक वाइज. और ये रैंक वाइज मैं नहीं दे रहा हूँ, ये विकिपीडिया दे रहा है, ठीक है. और यहाँ पे 10 टफेस्ट एग्ज़ाम मैं सीरियली आप लोग को बोल के दूंगा, ठीक है. तो नंबर वन पे आता है यूपीएससी. तो हम लोग ने ये तो नंबर वन पे आता है इंडिया पे, लेकिन वर्ल्ड में भी आता है नंबर टू पे, ठीक है. और नंबर टू पे आता है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो है JEE एडवांस. और नंबर थ्री पे आता है गेट, ठीक है. नंबर थ्री पे आता है गेट ग्रेजुएटेड एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग. उसके बाद आता है कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट. उसके बाद CA का एग्ज़ाम आता है, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्ज़ाम. उसके बाद आता है IIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है. उसके बाद आता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, NEET का आता है, NEET. उसके बाद आता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, NDA. उसके बाद आता है ISS एग्ज़ाम, इंडियन सर्विस, ठीक है. उसके बाद आता है नंबर 10 में हम लोग के पास है जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट XAT. उसके बाद आता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट CLAT. अगर आप लोग किसी ने भी यहाँ पे किसी भी क्लियर किया है, तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा कमेंट सेक्शन में आप लोग टेक्स्ट करिए और हम लोग को एक्सपीरियंस बोलिए. और अगर किसी ने अभी तक इसमें से कोई भी एग्ज़ाम दिया है, तब भी उन लोग कमेंट सेक्शन में हम लोग को टेक्स्ट करके बोलिए उन लोग का एक्सपीरियंस कैसा है. तो आप नेक्स्ट एप्रिसिएंट उन लोग जब एग्ज़ाम रह ले तो आप लोग से कुछ गाइड ले सके, ठीक है. डिटेल वीडियो इसमें हम लोग अपलोड करेंगे नेक्स्ट टाइम और बोलेंगे कि कौन सा क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करने से आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है. क्योंकि हम लोग का मैं खुद ऐसा एग्ज़ाम दे चुका हूँ और मैं आपको एक्सपीरियंस से आप लोग को शेयर करूँगा कि मेरा कैसा था और मैंने क्या क्या किया, ठीक है.